पंचायतों ने लगभग पंजाब जी 14,000 जिहड़े मते ग्राम सभावां दे कार्यकारी रजिस्टर उत्थे लिया के रखते क्या देखो जी तो ये तो वड्डा तां कोई ग्राम सभा का कोई इजलास नहीं हो सकता पिंड का तो फिर इहनूं कानूनी तौर पर कंसीडर करना पवेगा सुप्रीम कोर्ट। पंजाब दे विच खेती बिलां दे विरोध दे दरमियान आम आदमी पार्टी ने पंजाब च ग्राम सभा लियाओ पंजाब बचाओ मुहिम की शुरुआत कर दिती है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान अते संगरूर तो सांसद भगवंत मान ने कहा है कि ग्राम सभा कोल इन्हां काले कानूनां नूं वापस करवाउण दी बहुत वड्डी ताकत है। उन्हां दस्सिया कि पिंड दी पंचायत सरकार होवेगी अते ग्राम सभा पार्लीमेंट है। सो एक पेंडू पार्लीमेंट है जिथे बहुमत दे नाल एक्ट दे विरुद्ध जे लोग मता पाउणगे तां इस एक्ट नूं चैलेंज करन दा एक वड्डा कानूनी दस्तावेज बन सकदा है। भगवंत मान ने दावा किया कि इस मुहिम दे नाल लोकां नूं अपनी ताकत दा वी पता लगेगा। पंजाब दे पंजाबी धरती चों उगे होए नाज दा इक दाणा भी खाधा है, पानी दी इक घुट भी पीती है पंजाब दे नी, जां भावें ओह विदेशां च रहिंदा है, भावें ओह इत्थे है, भावें ओह कलाकार है, भावें ओह दुकानदार है, भावें ओह कोई भी बंदा है, उहनूं इस इन्हां बिलां दा विरोध करना चाहीदा है ताकि आपां अपने पंजाब दी गुरुआं पीरां दी जिहड़ी धरती है बचा सकी। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्, सो पवन जी हवा वो तो अभी पहली जहरीली कर ली स्प्रेयां कर करके धुएं कर करके, पानी जोड़ा वो असं थले लैके धरती के चौल लगाते, एक किलो चौल पैदा करने वास्ते 5,000 लीटर पानी लगता है जी, पानी खिंच लिया धरती चो मारूथल बन के लग गया तो हूँ मौले वाल तो हम कम लेके अपन छड़न लगे। सो ये बहुत मारू जिहड़े ने वो फैसले ने, घराचो पिंड इतिहासक पिंड है, बहुत वड्डियां वड्डियां मुहिमां की शुरुआत इन्हां पिंडां चों होई है, बजुर्ग सियाने बैठे। मैं एक बार फिर कहना नॉन पोलिटिकल है, कोई राजनीति की गल नहीं करनी। मता सैकटरी साहब तुसीं सुणाओगे, तुहाडा पंचायत सैकटरी नूं बेनती करना वो मते की एक एक लाइन एक एक अक्षर पढ़ के सुना देना, उस तो बाद तुहानूं पुछया जाऊगा कि जे मते दे हक चों जे इन्हां बिलां दे यानी मते दे हक चो बिलां दे विरोध चो तां हाथ खड़े कर दो। जिहड़े बंदे इन्हां बिलां दे हक च ने कि हाँ ये खेती दे कानून आने चाहिए ने, बाद दे विच उन्हां तों हाथ खड़े कर देंगे तो फैसला इत्थे तुहाडे पिंड हो जाऊगा। तो तुहानूं बहुत बहुत वधाइयां, ये ग्राम सभा बुला के तुसीं सारे पंजाब नूं छेड़ के लगू। आ मावां भैणां बैठियां ने ये कहिंदे हुंदे ने दही जमाउण वास्ते मीटिंग हाजिर ग्राम सभा के मैंबरां नूं सभापति वालों दस्या गया कि जो केंद्र सरकार वालों जो खेतीबाड़ी नाल संबंधित 3 ऑर्डिनेंस जो कि हुण बिलां दा रूप अख्तियार कर चुके हैं उन्हां बिलों का विरोध किया जाए अते सर्वसम्मति नाल ग्राम सभा विच पेश किए मते नूं पास किया जाए। सभापति वालों इन्हां बिलों के माड़े प्रभावों बारे विस्तार पूर्वक दस्या गया अते कहा गया कि इन्हां बिलों का विरोध किया जाए। यह तिन्ने बिल खेतीबाड़ी धंधे नूं खत्म करन वाले हैं। यह बिल 3 तरह के हैं जिवें कि खेती उपज व्यापार अते वणज प्रोत्साहन अते सहायक ऑर्डिनेंस 2020, कीमत गरंटी अते खेती सेवाओं बारे किसानी ठेका शक्तिकरण अते सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2020 अते जरूरी वस्ता ऑर्डिनेंस 2020, क्योंकि इन्हां कानूनों नाल सरकारी मंडीकरण खत्म हो जाएगा अते व्यापारी जिहड़े कि वड्डे कारपोरेट घराने नाल संबंध रखते हैं वो अपनी मनमर्जी नाल किसानों की फसलों की खरीद करया करनगे। जदों सरकारी खरीद ही बंद हो जाएगी तां मंडी बोर्डां तों सरकार नूं टैक्स दे तौर ते जो आमदन हुंदी है वह बंद हो जाएगी, तां मंडी बोर्ड सरकारां नूं टैक्स दे तौर ते जो आमदन हुंदी है वह बंद हो जाएगी, जिस नाल पेंडू खेतरां दा विकास हुंदा है। इन्हां टैक्सां नाल ही पंचायतां नूं ग्रांटां मिलदियां हन, जिहड़े मजदूर मंडियां विच कम करदे हन वह वेहले हो जाणगे, जिस नाल खुदकुशियां विच वाधा होवेगा अते किसान मजदूर आर्थिक तौर ते टुट जाएगा। जेकर केंद्र सरकार यह बिल वापस नहीं लैंदी तां देश विच अमन कानून की स्थिति बिगड़ सकती है, जिसका नुकसान भी आम जनता का ही होगा। इन्हां बिलां नाल सिर्फ किसान ही नहीं सगो मजदूर, छोटे व्यापारी, आड़तीए, सैलर मालक, ट्रांसपोर्टर अते उन्हां नाल जुड़े छोटे कारखानेदार भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए पंजाब पंचायती राज कानून 1994 तहत मिले अधिकारां की वरतों करदे हां
पिंड की समूह ग्राम सभा सर्वसंमति इन बिलों रद्द करती हुई केंद्र सरकार को यह बिल वापस लैन की अपील करती है। ग्राम सभा इन बिलों खिलाफ़ शुरू हुए किसान लोग संघर्ष की हमायत करती है। मते की कापी बी डी पी ओ साहब राज सरकार केंद्र सरकार कानूनी माहरों को भेजी जाती है। जिहड़े भी इस इन्ह बिलों रद्द करने के हक में ने वो हथ खड़े कर खिलाफ ने जोड़े कहते हैं बिल आने चाहिए ने वो हथ खड़े कर भगवंत मान लगातार इस बारे पंजाब दे लोकां नूं जागरूक कर रहे ने। पिछले कई दिनों तो अपने फेसबुक या फिर सोशल मीडिया दे प्लेटफॉर्म्स दे राही भगवंत मान लोकां नूं जागरूक कर रहे ने। इस संबंधी भगवंत मान ने ग्राम सभा दे मते दा एक खरड़ा भी उदाहरण वजो पेश कीता है। दसिया गया कि मिति अते पिंड दा नाम खुद भर के पंचायत दे कारवाई रजिस्टर दे विच दर्ज करो। पंजाब पंचायती राज कानून 1994 तहत मिले अधिकारां दी वरतों करदिआं इस पिंड दी ग्राम सभा मिति एनी नूं इजलास दे विच केंद्र सरकार वल्लों पास करवाए गए खेती मंडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अते जरूरी वस्तुआं सोध बिल 2020 उत्ते खुल के विचार चर्चा करन तों बाद इस नूं रद्द करन दे लई मता पाउंदी है। इह वी लिखिआ है कि इस तों इलावा बिजली सोध बिल 2020 वी विचारिआ गिआ। ग्राम सभा का विचार है कि यह बिल देश के फैडरल ढांचे को कमजोर करने वाले फसलों के समर्थन मुल तो हाथ खिंचन वाले जखीरेबाजी की खुल देन वाले अते कारपोरेट घराणियां दे पक्ष अते किसान मजदूर व्यापारी समेत समुचे लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए ग्राम सभा सर्वसंमति नाल इन्हां बिलों नूं रद्द करती हुई केंद्र सरकार नूं बिल वापस लैण दी अपील करती है। ग्राम सभा इन्हां कानूनों खिलाफ शुरू होए किसान अते लोग संघर्ष की हमायत करती है। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਬੁਲਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਸਰਪੰਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਵੋਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਏ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਏ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।